देखिए बेटा, आज हम लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ेंगे। लॉग की इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? लॉगरिथमिक इक्वेशन, नेक्स्ट आर्टिकल लिखें। लॉगरिथमिक इक्वेशन देखिए, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं इस आर्टिकल को। जैसे 7 की पावर लॉग एक्स बेस 3, बेस 7 है। 7 की पावर लॉग एक्स बेस 7 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा मैं आपसे बोलूं कि चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो ध्यान दीजिए सभी। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई आपको कि 7 यहां भी और 7 यहां भी है। जब ये दोनों बेस सेम होते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा बेटा, एक्स। और ये क्या होगा, एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या आ गया बेटा, माइनस 1। 2x जो है वो माइनस 1 है, दैट इज एक्स बराबर माइनस 1/2। इसका मतलब क्या है कि एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस 1/2 है, मतलब इसका सॉल्यूशन है माइनस 1/2। ओके, अब आप देखिए एक्स बराबर माइनस 1/2 विच इज नॉट पॉसिबल। कारण देखिए कि जब आप एक्स माइनस हाफ यहां रखेंगे, माइनस हाफ का लॉग डिफाइंड नहीं है बेटा। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो बेटा माइनस हाफ नॉट पॉसिबल, तो आंसर कह देंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई एक्स है ही नहीं है जिससे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, तो आंसर है नो सॉल्यूशन। नोट करें, क्लियर है बेटा? देखिए बेस यहां पर 7 है और यहां पर भी 7 है, दोनों बेस सेम है, तो दैट इज एक्स। नंबर बचेगा एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 1, तो एक्स बराबर माइनस हाफ। अब आपको सोचिए एक्स बराबर माइनस हाफ गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि माइनस का लॉग डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम आंसर देंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लॉग एक्स प्लस 1 बेस 7 इज इक्वल टू 2। मैं आपसे बोलूं चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, ये एक सिंपल लॉग की क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है बेटा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, जब भी आप लॉग की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है इसमें। और जो भी एक्स आता है बेटा, मान लीजिए एक्स की वैल्यू कुछ भी आई, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी इमीडिएटली क्वेश्चन में चेक करा करो कि वो जो एक्स आया है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, जब हम लॉग को रिमूव करते हैं तो हमने सिखाया एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, जब हम लॉग को रिमूव करेंगे तो आरएचएस वाला नंबर बेस की पावर 7 की पावर 2 49, तो बेटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 48। अब आप मुझे बताइए क्या 48 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या 48 यदि हम यहां रखते हैं एक्स के प्लेस पर, 48 प्लस 1 49, क्या 49 का लॉग डिफाइंड है? लॉग ऑफ 49 डिफाइंड है क्योंकि 49 जो भी नंबर है वो पॉजिटिव है। तो बेटा जब भी आप एक्स निकालते हो इमीडिएटली चेक, मान लीजिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप उसको रिजेक्ट कर दें क्योंकि नेगेटिव का लॉग डिफाइन नहीं है। ओके, इधर क्या होना चाहिए बेटा, नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1। तो बेटा एक्स बराबर 48, क्या 48 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो जब भी आप लॉग की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इमीडिएटली चेक, नोट करें। लॉग बेस 2 9 माइनस 2 की पावर एक्स बराबर 10 की पावर लॉग बेस 10 3 माइनस एक्स। ध्यान दीजिए ये एक लॉग की क्वेश्चन है,
और बेटा इसको सॉल्व करना है, सॉल्व दिस इक्वेशन, ओके। आप ध्यान दीजिए बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैं आज सिर्फ आपको लॉग की इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहा हूं। लॉग की इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं मैं फिर से बोलूंगा बेटा, आप तो पूरा सॉल्व करके लास्ट में जो भी एक्स आता है इमीडिएटली चेक। बेटा चेक जरूर करना है, क्योंकि यदि एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई और मान लीजिए वो नेगेटिव एक्स गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप बोल देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन, ओके। अब आप देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप मुझे बताइए बेटा, यहां भी 10 है और यहां भी 10 है, दोनों बेस सेम है बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स, ओके। क्या हम इस आरएचएस को 3 माइनस एक्स क्रिएट लिख सकते हैं बेटा? देखिए दोनों की मीनिंग सेम है बाय प्रॉपर्टी, जब भी ये दोनों बेस सेम होते हैं तो सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा, नंबर, ओके। अब देखिए तो फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगी, लॉग बेस 2 9 माइनस 2 की पावर एक्स। अब आप मुझे बताइए जब हम लॉग को रिमूव करते हैं बेटा, जब हम लॉग को हटाते हैं तो आरएचएस वाला नंबर जो होता है, आरएचएस वाला नंबर बेस की पावर, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 3 माइनस एक्स। जरा सोचो बाय डेफिनेशन बेटा, ये लॉग की डेफिनेशन है, मैंने आपको सिखाया जब हम लॉग हटाते हैं तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 2 की पावर पे, बेस की पावर पे, ओके। ये बेटा ये क्लियर है, बाय डेफिनेशन जब हम लॉग को रिमूव करेंगे तो आरएचएस वाला नंबर बेस की पावर पे। देखो यार दोनों की मीनिंग सेम है, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, डेफिनेशन है ये बेटा लॉग की। यदि हम इसमें आपसे बोले कि चलो इस नंबर का लॉग लो, इस नंबर का लॉग क्या होगा बेटा, ये क्या है बेटा, बेस पावर नंबर, बेस पावर नंबर, और बेटा नंबर का लॉग पावर, ओके, नंबर का लॉग पावर और बेस के प्लेस पर बेस। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको यहां पर क्या बता दिया बेटा, लॉग को रिमूव कर दिया, लॉग कैंसिल हो गया। अब आप देखिए इसको मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर माइनस एक्स। क्या हम इसको अरेंज कर सकते इस तरीके से बेटा, हमने इसको सेपरेट कर दिया, ये क्या हो गया बेटा 9 माइनस 2 की पावर एक्स, ओके। अब आप मुझे बताइए इसके बाद वाली इक्वेशन क्या होगी, इसके बाद वाला स्टेप होगा 9 माइनस 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3 को मैं लिख रहा हूं बेटा 8, और 2 की पावर माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में ले जाता हूं तो 2 की पावर एक्स, ओके। ये वाला स्टेप क्लियर है बेटा। अब आप देखिए 2 की पावर एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 9 इंटू 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर, जरा सोचो, इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इन सबको ट्रांसफर कर देता हूं, ये सारे टर्म्स को आरएचएस साइड ले जा रहा हूं, तो क्या होगा बेटा 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 की पावर एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बेटा ध्यान दो, ये बन गई 2 की पावर एक्स की क्वाड्रेटिक, ये 2 की पावर एक्स की क्वाड्रेटिक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए स्टार्ट विथ 2 की पावर एक्स को टी सपोज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8, 2 की पावर एक्स को मैंने बेटा टी कंसीडर कर लिया, ओके, लेट 2 की पावर एक्स बराबर टी, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8 बराबर 0। यहां से टी की कितनी वैल्यू आएंगी बेटा, 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो टी की यहां पर 2 वैल्यू आएंगी, एक 1 और एक 8। देखिए 1 और 8, 1 और 8 इसके रूट्स हैं, जरा सोचो 1 8 और 1 और 8 क्या होगा 9, तो बेटा जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो t की 2 वैल्यू आएंगी, t बराबर क्या आएगा बेटा 1 एंड 8। अब बताइए मुझे, मुझे t निकालना था या x निकालना था, फाइनली तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी थी, अभी तो t आया बेटा, जबकि t वास्तव में क्या है, t है क्या, t बराबर है बेटा 2 की पावर x, और t की वैल्यू हमने क्या निकाली, एक तो 1, तो 1 बराबर क्या होगा बेटा 2 की पावर x, और 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 बराबर 2 की पावर x, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 0। कंपेयर बेटा, कंपेयर कर दिया हमने, ठीक है, ध्यान दीजिए t हमारे पास क्या है बेटा 1, 1 को मैंने लिखा 2 की पावर 0, देन कंपेयर, क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गई, x बराबर 0, ओके, कंपेयर, x की वैल्यू आ गई बेटा 0। अब देखिए नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, t की एक और वैल्यू क्या है बेटा 8, पहले इतना नोट कर लो, देखिए 2 की पावर एक्स
टी है, और टी वास्तव में क्या है बेटा, वन एंड एट, तो एट यहां रख दिया मैंने, तो एट को मैं ले सकता हूं टू की पावर थ्री, ओके, तो बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे बेटा, एक्स पावर क्या आ गया थ्री, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा थ्री। अब आप मुझे बताइए कितने एक्स है बेटा, नंबर ऑफ एक्स कितने है? दो, ध्यान दीजिए, एक तो जीरो है और एक थ्री है। अब मैंने अभी अभी बताया आपको कि जब भी आप लॉकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इमीडिएटली चेक। अब आप मुझे बताओ क्या जीरो, क्या जीरो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? इधर देखिए, थ्री माइनस जीरो थ्री, क्या थ्री का लॉग डिफाइंड है बेटा, लॉग ऑफ थ्री डिफाइंड है या नहीं, बोलो संजय माइक दो, लॉग ऑफ थ्री डिफाइंड है क्या? एक्स बराबर जीरो गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? एक्स बराबर जीरो गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, देखिए क्योंकि थ्री का लॉग हम निकाल सकते हैं, ओके। अब आप मुझे बताइए यदि मैं थ्री रखता हूं तो थ्री माइनस थ्री जीरो, क्या जीरो का लॉग डिफाइंड है बेटा? लॉग ऑफ जीरो, लॉग ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड, ओके, लॉग ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड, तो थ्री रिजेक्टेड, तो आंसर विल बी जीरो। बेटा नंबर ऑफ एक्स कितने है? वन, फाइनल आंसर है इसका जीरो, क्योंकि थ्री जो है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यदि मैं थ्री यहां पुट करता हूं तो थ्री माइनस थ्री जीरो, जीरो का लॉग, लॉग ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड, तो थ्री रिजेक्टेड, लिख लेना थ्री यहां पर रिजेक्टेड, और एक्स बराबर जीरो गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फाइनल आंसर है एक्स बराबर जीरो। पैकेज का क्वेश्चन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज टू, एक्सरसाइज टू पेज नंबर 15, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन है 5 की पावर log x माइनस 3 टू द पावर log x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर log x प्लस 1 माइनस 5 की पावर log x माइनस 1। अब आप देखिए बेटा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहां से x की मुझे वैल्यू निकालनी है। अब देखना बेटा ध्यान से, एक एक स्टेप पर फिर से ध्यान से देखो, ध्यान दीजिए सभी, ये 5 की पावर log x है, ओके, यहां 3 की पावर log x माइनस 1 है, और यहां 3 की पावर log x प्लस 1 है, और यहां 5 की पावर log x माइनस 1 है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना सभी, पहले तो मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, 5 की पावर क्या लिखा है log x, बेटा इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर log x इंटू 3 की पावर माइनस 1। जरा सोचो क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं बेटा, जब बेस सेम होता है तो पावर एड, ओके, तो log x माइनस 1, तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप देखें, यहां पर RHS साइड, इसको भी मैं सेपरेट कर देता हूं, 3 की पावर log x डॉट 3 की पावर 1 माइनस, सेम इसको भी मैं सेपरेट कर देता हूं, 5 की पावर log x डॉट 5 की पावर माइनस 1, ओके। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, 3 की पावर log x को 3 की पावर log x के पास लाएंगे और 5 की पावर log x को 5 की पावर log x के पास लाएंगे, मतलब इसको हम अरेंज कर रहे हैं, इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, चलो अरेंज करते हैं, ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, इसको इधर लाते हैं, तो फाइनली क्या होगा बेटा, 3 की पावर log x कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, माइनस, बेटा ये क्या है, 3 की पावर माइनस 1 अल्टीमेटली क्या है, 1/3, ओके। अब ये इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से चलो आप इसको ट्रांसफर करते हैं, अब ये उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, 5 की पावर log x कॉमन आ जाएगा, 5 की पावर log x कॉमन, ओके, अब अंदर क्या बचेगा, माइनस 1/5, माइनस 1/5, और ये उधर गया तो माइनस 1। बेटा ये वाला स्टेप क्लियर है, मैंने ट्रांसफर कर दिया और कॉमन भी ले लिया। अब आप मुझे बताइए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 9 प्लस 1 10, तो 3 की पावर क्या होगा, log x डॉट माइनस 10/3, ओके, इज इक्वल टू 5 की पावर log x डॉट 5 + 5 5 + 1 6 माइनस 6/5, ठीक है। अब आप देखिए एक काम करते हैं, नंबर नंबर अलग कर लेते हैं और ये एक्सपोनेंट जो है ये इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा मैं यहां लिख देता हूं, पहले तो इतना नोट कर लीजिए आप,
यहां पर ब्रैकेट लगा देते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, बट इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी, सभी नंबर को हम एक साथ ले लेते हैं और पावर को एक साथ ले लेते हैं। तो 3 की पावर log x अपॉन 5 की पावर log x, बेटा मैंने सेपरेट कर दिया, ओके, ये वाली टर्म इधर आ गई और ये सारे नंबर उधर ले जाता हूं, इज इक्वल टू माइनस 6 बाय 5 इंटू माइनस 3 बाय 10। बेटा ये वाला स्टेप क्लियर है, मैंने ये नंबर डिवाइड में ले गया और डिवाइड से फिर मैंने पलट दिया, इन टू में ले गया, ओके, ये अल्टीमेटली ये डिनोमीटर में इसके, और डिनोमीटर से न्यूमीटर में गया तो बेटा पलट गया, ओके। अब देखिए ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसको कैंसिल करो, 18 अपॉन 50, या थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, बोलो ये क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ जल्दी, कोई है इस बच्ची को, दो बच्ची को दो, बोलो बेटा 9 by 10 ना, सॉरी सर 25 9 by 25, वेरी गुड, 9 by 25 को लिखेंगे 3 by 5 का होल स्क्वायर, जरा सोचो, और बेटा यहां क्या होगा 3 by 5 होल पावर log x, क्या मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं 3 by 5 होल पावर log x। देखिए यहां 3 की पावर क्या है log x, 5 की पावर क्या है बेटा log x, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 3 by 5 की पावर log x। अब देखिए यहां भी 3 by 5 है और यहां भी 3 by 5 है, दैट इज log x बराबर 2, बेटा बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी, तो log x बराबर क्या आ गया, log x बराबर 2, देन x बराबर, देन x बराबर 10 की पावर 2, फाइनली आंसर है 100। बेटा ये 10 कैसे आ गया, मैंने सिखाया था कि जब बेस गिवन ना हो तो कंसीडर टू बी 10, इफ बेस इज नॉट गिवन देन कंसीडर टू बी 10। तो बेटा जब हम log हटाते हैं तो RHS वाला नंबर बेस की पावर, तो 10 की पावर 2 100। अब आप मुझे बताइए क्या 100 पॉसिबल है, क्या 100 का लॉग डिफाइंड है, बिल्कुल है, लॉग 100 डिफाइंड है, लॉग 100 डिफाइंड है, लॉग 100 डिफाइंड है, इसका मतलब है कि 100 बिल्कुल सही है, तो आंसर है 100। बेटा ये वाला स्टेप क्लियर है, 6 3 18 अपॉन 50 को हम लिख सकते हैं 9 by 25, और बेटा 9 by 25 को हम लिख सकते हैं 3 by 5 का होल स्क्वायर। 3 by 5 ही अरेंज क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ऑलरेडी 3 by 5 है बेटा, RHS साइड हम 3 by 5 इसलिए अरेंज कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 3 by 5 है, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। तो log x बराबर क्या आ गया बेटा 2, तो x बराबर क्या आ गया 100, ये है फाइनल आंसर। बेटा x की पावर 1 प्लस log x बराबर 10x। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो सिंपल एक क्वेश्चन थी log की। अब ध्यान दीजिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए बेटा इस क्वेश्चन में एक खास बात है कि बेस वेरिएबल है, ध्यान दीजिए, इफ बेस वेरिएबल एंड पावर वेरिएबल, बेटा एक्स यहां पर क्या है, वेरिएबल है, देखो बेस है ये बेस है और ये पावर है, और आप मुझे बताइए कि बेस यहां पर क्या है, एक्स है, और जब एक्स बेस है मतलब और पावर भी वेरिएबल है, इसका मतलब है कि मुझे यहां पर लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग बोथ साइड लॉग। बेटा जब भी ऐसा हो कि बेस वेरिएबल हो पावर भी वेरिएबल हो, टेकिंग बोथ साइड लॉग, इस साल जेई में क्वेश्चन इसी पर पूछा गया था, एक क्वेश्चन बना है इस पर कि जब बेस वेरिएबल है पावर वेरिएबल है तो स्टार्ट हम कैसे करते हैं बेटा, वो साइड लॉग ले लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड लॉग। अब देखिए जैसे हम लॉग लेंगे तो लॉग एक्स की पावर 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 10x, ओके। बेटा मैंने यहां पर वो साइड लॉग ले लिया, बेटा वो साइड लॉग कब लेना है, जब बेस वेरिएबल हो, इफ बेस वेरिएबल देन टेकिंग बोथ साइड लॉग, ओके। अब देखिए अब मुझे बताइए ये क्या है, ये पूरा पावर है किसका, एक्स का, और ये 10 इंटू एक्स है, तो क्या ये पावर आगे जाएगा बेटा, तो इसको हम ले सकते हैं 1 प्लस
log x into log x. क्या हम इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? आप देखिए ये पावर आगे जाएगी और log x हो जाएगा इज इक्वल टू बेटा यहां log 10x है. अब मुझे बताइए log 10x है, 10 into x है और into किस में कन्वर्ट होता है बेटा? प्लस में. तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 प्लस log x. ओके log 10 प्लस log x. अब आप मुझे बताइए log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1. बेटा log 10 बेस 10 1, log 10 बेस 10 1. यहां पर बेस क्या चल रहा है? ऑलरेडी बेस क्या है बेटा? 10. मुझे बताइए जब बेस गिवन नहीं होता तो हम क्या लेते हैं बेटा? 10. तो यहां पर बेस कौन सा है बेटा? 10. इसलिए मैंने जो लॉग लिया है उसमें भी बेस कौन सा लिया बेटा? 10. मतलब जो ऑलरेडी बेस है वही बेस हम कंसीडर करते हैं. ओके तो लॉग 10 की वैल्यू हो जाएगी 1. तो फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगी? लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स. ओके ये वाला स्टेप क्लियर है बेटा? यहां पर लॉग 10 को मैंने 1 लिखा. फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं. जब बेस वेरिएबल होता है बेटा, इफ बेस वेरिएबल देन टेकिंग बोथ साइड लॉग. और बेटा लॉग आप जब लेते हैं तो जो ऑलरेडी बेस चलता है वही बेस कंसीडर करना है. ओके एक नया बेस क्रिएट नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी बेस है वही आपको लेना है. देखिए ये पावर आगे जाएगी बेटा. हम लॉग क्यों लेते हैं? जब क्योंकि मुझे पावर को आगे करना है और पावर आगे तभी आएगी जब आगे क्या हो? लॉग. क्योंकि नंबर पे जब पावर होती तो आगे आके मल्टीप्लाई. ओके तो हमने ये पावर आगे ला दी, ये लॉग एक्स. और लॉग टेन को मैंने लिखा लॉग 10 प्लस लॉग एक्स और लॉग 10 की वैल्यू रख दी मैंने 1. अब इसके बाद वाला स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप देखें. देखिए बेटा 1 प्लस लॉग एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स इसको कैंसिल नहीं करना है बेटा, ध्यान दीजिए सभी, इसको पूरा सॉल्व करना है. अब हम क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे. अब जैसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स ओके इज इक्वल टू 0. बेटा जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनो, जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कैंसिल नहीं करते, हम वेरिएबल को नहीं कैंसिल करते. क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल कैंसिल कर दिया तो एक सॉल्यूशन तो कम हो जाएगा ना. आपको सोचो हम सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं और आप कम कर रहे हो. ओके तो आपको ये कैंसिल नहीं करना है, इससे हमें क्या मिलेंगे? नए सॉल्यूशन मिलेंगे. ओके तो हम क्या करेंगे? ट्रांसफर. अब देखिए मैंने ट्रांसफर कर दिया, इसमें से कॉमन क्या आएगा बेटा? 1 प्लस लॉग एक्स, ये पूरा को पूरा कॉमन आ गया. अंदर क्या बचा बेटा? लॉग एक्स माइनस 1. ओके ये वाला स्टेप क्लियर है? अब देखिए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक तो ये 0 होगा या ये 0 होगा. तो फाइनली लॉग एक्स बराबर माइनस 1, लॉग एक्स बराबर 1. ओके अब आप मुझे बताइए लॉग एक्स माइनस 1 है तो एक्स क्या होगा बेटा? एक्स क्या होगा 10 की पावर माइनस 1. जरा सोचो जब हम लॉग को रिमूव करते हैं तो आरएचएस वाला नंबर बेस की पावर. ओके और यहां लॉग एक्स 1 है तो एक्स बराबर क्या आएगा बेटा? 10 की पावर 1. बेटा यहां पर बेस क्या है? यहां पर बेस 10 है और जब हम लॉग को रिमूव करते हैं तो आरएचएस वाला नंबर बेस की पावर, तो 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर 1. बेटा दो सॉल्यूशन आ गए, ये है फाइनल आंसर. अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट में इमीडिएटली चेक. अब देखिए चेक करते हैं, ये क्या लिखा है बेटा? 1/10. क्या 1/10 पॉसिबल है? क्या 1/10 का लॉग डिफाइंड है? 1/10 का लॉग डिफाइंड है, बिल्कुल है. तो क्या 1/10 आंसर हो सकता है? 100% हो सकता है. 10 इसका सॉल्यूशन है क्योंकि 10 का लॉग डिफाइंड है. तो फाइनल आंसर है बेटा 1/10, 10.